सर ये चीखें सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है? सरकार पहले दिन से ही शुरू पूरे प्रकरण के अंदर गंभीर है। जैसे ही सूचना मिली गई प्राथमिक तौर के ऊपर ही सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी, बिना किसी के मांग के, बिना किसी के दखलंदाजी की सरकार ने पूरा जो पुलिस थाना है उसको लाइन हाजिर किया, SHO को सस्पेंड किया, SP को भी यहाँ से हटा दिया गया, DSP को हटा दिया गया। और जो FIR ये लेकर आई थी, पीड़ित पक्ष लेकर आया था, वो FIR दर्ज करके उन्हीं धारों के अंदर दर्ज कर दिया। गतिरोध टूट क्यों नहीं रहा? शव का पोस्टमार्टम आज चौथे दिन भी नहीं। सरकार के तरफ से मेवाराम जी जैन यहाँ के विधायक महोदय अधिकृत है, ये जो इन्होंने भी एक कमेटी बना रखी है संघर्ष समिति, इनके अंदर आपस में वार्तालाप हो रहा है, कई दौर के अंदर हुआ, अभी तक ये सहमत नहीं हुई। सरकार जो एक सामान्य प्रक्रिया के अंदर करती है उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सरकार कर रही है और सरकार की संवेदना है और हम लोग जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर इस परिवार के साथ। बार बार कल से जो मांग उठी है CBI जांच की, आप क्या इनसे बात करने के बाद क्या करें? ये संविधान के अंदर हर को किसी को हक है कि अपनी मांग रखे, सरकार की सीमाएं होती है कि क्या मांग वो मांग सकती है और क्या मांग नहीं मांग सकती। ये मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश प्रदेश को कि हम लोगों की संवेदना इन लोगों के साथ है, इनको न्याय मिले ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर राजस्थान में क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, सड़क से सदन तक हंगामे हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये राजस्थान के अंदर जहाँ कहीं भी किसी के साथ भी अत्याचार हुआ है, सरकार हर समय, पुलिस प्रशासन हर समय प्राथमिकता से उन लोगों के न्याय दिलाने के लिए कोई भी घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम रोकना एक अलग बात होती है, घटनाक्रम होने के बाद निष्पक्ष तौर के ऊपर उनको न्याय मिले एक दूसरा चरण होता है। निष्पक्ष तौर पर जांच होकर न्याय किसी भी घटना के अंदर, हर घटना के अंदर पिछले एक साल में दिया जा रहा है। वर्तमान पुलिस स्ट्रक्चर, इससे आप संतुष्ट हैं जो इनकी कार्यशैली? नहीं, हर किसी व्यवस्था के अंदर सुधार की गुंजाइश रहती, मेरे खुद के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भी सुधार की गुंजाइश रहती, हर संस्था के अंदर सुधार की गुंजाइश रहती। इस सुधार के लिए क्या कर रहे हैं? परिपक्व कोई भी नहीं सर, इस पुलिसिंग में सुधार के लिए राजस्थान नहीं, बिल्कुल लगातार इसके पुलिसिंग के सुधार के लिए मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कई तरह की कमिटीज बनी हुई है और हर किसी के सुधार की गुंजाइश है और कुछ सुधार होना चाहिए। थैंक यू सर। बात करी थी साहब।